देखिए जी, ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, यानी बड़े सवाल में ट्रांजेक्शन वैल्यू आपको निकालना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक क्या होता था, अभी तक जो भी आप सवाल देख रहे थे ट्रांजेक्शन वैल्यू दिया रहता था, उसके ऊपर आप बीसीडी कर रहे थे, एसडब्ल्यूएस कर रहे थे, और अगर आईजीएसटी बोल रहा था तो आईजीएसटी कर रहे थे, या जीएसटी का कंपल्सन सेस बोल रहा था तो आप कर रहे थे। ये ना छोटे छोटे एग्जाम्पल, बट ये वैल्यू तो दिया रहता था, अभी वैल्यू तो नहीं दिया रहेगा, ये सीधा बाहर से माल आ रहा है, आपको खुद एसेस करना है। सवाल यहां से शुरुआत होगा, यानी इसके नीचे का पार्ट आप पढ़ चुके हैं कि कैसे सारे टैक्स को आप कैलकुलेट करेंगे, कहां पर कौन सा टैक्स, लेकिन ये आप एसेस करने के लिए सीखोगे। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल लेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस, इसके साथ कैरेज जोड़ेंगे, ये सारे डॉलर में दिए रहेंगे या अदर कोई वैल्यू मनी दिया रहेगा अदर कंट्री का, उसका एक्सचेंज रेट दिया रहेगा, बिल डेट का ध्यान रखेंगे, बिल डेट का ध्यान रखेंगे, और एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में किसका लेंगे, आरबीआई का, सिबिक का, समझ में आ गया ना। लोडिंग चार्जेज वहीं का दिया रहेगा, सब डॉलर में दिया रहेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपया में, आ जाएगा एफओबी, इसके साथ कमीशन एंड ब्रोकरेज, पैकिंग कॉस्ट, लेकिन कमीशन में एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, पैकिंग में वो पैकिंग कॉस्ट नहीं आएगा, अगर कोई ड्यूरेबल है या उसको आप रिटर्न करेंगे तो उसका कॉस्ट को हम लोग हटा देंगे। जनरली देखेंगे जी, यहां पर वैल्यू ऑफ मटेरियल रहेगा आपके सम्स में, इवन सीएस का भी सम्स के बारे में बात करेंगे, कैरेज रहता है, लोडिंग रहता है, ये रहेगा, क्योंकि इसके बिना तो फॉब बनेगा ही नहीं। उसके बाद जनरली कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट, इसमें कुछ अगर आपने वहीं पर कुछ चेंजेज कराया है, तब ये हो गया फॉब वैल्यू एज पर कस्टम्स। इसके अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ फ्रेट को जोड़ते हैं, 20% है रिस्ट्रिक्टेड, बट ये एयर के लिए है, अगर एयर से आ रहा है, अदर के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना है सब ले लेंगे, बट अगर बाई एयर आ रहा है, समझेंगे यहां बातों को, ये रिस्ट्रिक्टेड किसके लिए है, तो जो भी आपका फॉब वैल्यू होगा उसका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 20% से ज्यादा होगा तो आपको लेना है कितना, 20% ही लेना है, एंड अदर में नहीं। इंश्योरेंस अगर मेंशन किया हुआ है तो वही लेंगे, और अगर इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो क्या विदाउट इंश्योरेंस आएगा वहां से सामान, इंश्योरेंस तो करवाओगे ना, तो हम कितना लेंगे, 1.125% किसका, फॉब वैल्यू। इस तरह से आपका एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा, या जिसको हम लोग बोलते हैं CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, आ गया समझ में, थोड़ा बगल में लिख दे रहे हैं, थोड़ा लिख लो। फॉब इज इक्वल टू, अभी आप जानते हैं ना, मान लीजिए आपको दे दिया CIF वैल्यू, तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे तभी हम जाएंगे एफओबी में, क्योंकि एफओबी अगर आप नहीं लिखोगे, यानी आप एफओबी नहीं लिखोगे, तब कैसे आप कंपेयर करेंगे कि एफओबी का ही 1.125% इंश्योरेंस लेना है और फ्रेट कितना लेना है, 20%। तो बहुत बार हम लोग को अगर CIF वैल्यू दिया हुआ है तो उसके साथ एक्चुअल जो फ्रेट है और एक्चुअल इंश्योरेंस है, उसको दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो पहुंच जाएंगे कहां पर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको कभी कभी सवाल देता है, अब सुन लो एक बार फिर से, एक्चुअल में हम लोग जो भी सवाल करेंगे, जनरली आपको हो सकता है कि यहां से स्टार्ट करें, एफ ओ बी वैल्यू दे दे, तो आपको फ्रेट और इंश्योरेंस का अगर एयर दे देगा तो आप याद रखिएगा 20% लेना है, जो एक्चुअल है 20%, जो दोनों में कम है वही लेंगे, इंश्योरेंस अगर कुछ नहीं बोला है तो ये कंसीडर करना है। कभी कभी अगर मान लीजिए आपको एफओबी यहां से अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर एफओबी कब कंसीडर करेंगे, जब मान लीजिए सम्स के अंदर कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, तब हम यहां पर लेंगे, उसके साथ प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग को, तो ये आ जाएगा, ऑबी आएगा, बट एज पर किसका,
कस्टम्स के अनुसार, कस्टम्स का वैल्यू, ये दोनों का ध्यान रखिएगा।